समस्तीपुर के सफाई कर्मी राम सेवक राम के हाजत में हत्या के तमाम दोषियों की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवार के न्याय के सवाल पर इंसाफ मंच का आईजी के समक्ष आक्रोश मार्च। प्रदर्शनकारियों ने आईजी कार्यालय के मुख्य गेट को जाम कर किया सभा। इंसाफ मंच के प्रतिनिधि मंडल का आईजी दरभंगा समस्तीपुर व मधुबनी एसपी की मौजूदगी में हुई वार्ता। समस्तीपुर के सफाई कर्मी राम सेवक राम के हत्या में संलिप्त थाना प्रभारी डीएसपी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करने, पीड़ित परिवार को 20 लाख मुआवजा व परिजन को नौकरी देने, बहेरी थाना कांड संख्या 244/21 के चोरी हुए बच्चे की बरामदगी, सिमरी थाना कांड संख्या 175/21 गुलशन आरा हत्याकांड के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी, सिमरी थाना कांड संख्या 249/21 में दलित परिवार को न्याय देने, कमतौल के धर्मपुर के अपहरित रफत परवीन की बरामदगी, सदर थाना कांड संख्या 443/21 झूठा मुकदमा वापस लेने, सदर थाना कांड संख्या 171/21 नवीन लाल देव हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तार करने, बेलही नाबालिग लड़की के बलात्कार के अभियुक्तों की गिरफ्तारी आदि सवालों को लेकर इंसाफ मंच का मिथिला प्रक्षेत्र के आईजी के समक्ष आक्रोश मार्च निकाला गया। 8 सूत्री मांगों को लेकर के आक्रोश मार्च है इंसाफ मंच का। पिछले दिन हाजत में राम सेवक राम की हत्या कर दी गई। हमारा मांग है कि राम सेवक का जो हत्यारा वहां का कार्यपालक पदाधिकारी है, डीएसपी है, थाना प्रभारी है और एक पार्षद है, उन पर एक FIR 302 का हो और उन पर कार्रवाई की जाए। राम सेवक के परिजनों को लाश नहीं दिया गया, ये जघन्य घटना है, इस पर मेरा आक्रोश मार्च है। दूसरी तरफ लगातार सिमरी थाना में लगातार फरियादी फरियाद कर रहे थे, एक दलित है पलट पासवान, वो फरियाद कर रहे थे, उनको दबंगों के द्वारा घर नहीं बनाने दिया जा रहा था, लेकिन FIR हुआ लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 महीना हो गया गुलशन आरा की हत्या हुई, गुलशन आरा के हत्या को ये दरभंगा के SDPO और CTSP के द्वारा उस केस को बरगलाया जा रहा है, उसको रफा दफा किया जा रहा है। हम उस सवाल पर कह रहे हैं कि प्राथमिक के तमाम अभियुक्तों को जो गुलशन आरा का हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी हुई। दरभंगा के SP को शर्म आनी चाहिए कि आज तक हत्या के केस में कोई वारंट कोई कुर्सी जब्ती नहीं निकला। ये बाबू राम को शर्म आनी चाहिए। इस सवाल को हम दरभंगा के IG से कहने के लिए आए हैं। बहेरी में 6 महीना का बच्चा चोरी हो जाता है और बहेरी के थाना प्रभारी पीड़ित के साथ गाली गुप्ता करते हैं, ये इस बात को हम दरभंगा के IG को कहने के लिए हम आए हैं। इसलिए हमारा कहना है कि दरभंगा में इस मिथिलांचल में जो पुलिस का रवैया है बहुत घटिया रवैया है, न दलित सुरक्षित है न अकलियत सुरक्षित है। पिछले दिन समस्तीपुर में आधारपुर में अकलियत नौजवान और एक महिला की हत्या हुई, उसको न्याय नहीं मिला। और सोनकी में नवीन लाल देव है, उसकी हत्या हुई, उसके खिलाफ में भी हमारा आक्रोश मार्च है, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तमाम सवालों को, बेलही में बलात्कार कांड हुआ, सारे पुलिस पदाधिकारी कहे कि इस केस में गिरफ्तारी हुई, लेकिन IG साहब को शर्म होनी चाहिए, SP साहब को शर्म होनी चाहिए कि आज तक उस बलात्कारी का गिरफ्तारी नहीं हुआ। और सबसे बड़ा विभत्स घटना है कि जो समाज का जो बुनियादी निचली तबका है सफाई कर्मी राम सेवक राम, उसको लॉकअप में मार दिया जाता है और उसके लाश को परिजन के हवाले नहीं किया जा रहा है, लेकिन आज तक उस पर FIR नहीं हुआ। इन तमाम 8 सवाल पर आज दरभंगा के IG से हम कहने के लिए आए थे कि आप इन तमाम सवालों पर कार्रवाई करो, अगर कार्रवाई नहीं करोगे तो हम आपके कार्यालय पर पीड़ित परिवार को लेकर के सामूहिक अनशन पर इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।